हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर की बहुत ही शानदार क्विक सी सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ। इस सब्ज़ी को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, फटाफट बनेगी, कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसेस हमने फॉलो नहीं करना है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, किचन में जाने की इच्छा नहीं होती, तब आप ये सब्ज़ी बनाना बहुत शाही बनती है, शानदार बनती है, बिल्कुल ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही क्विक सी रेसिपी। आप जब बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि सब्ज़ी कितनी शानदार बनती है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं झटपट सी शानदार सी पनीर की सब्ज़ी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में डालें थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 खाना खाने वाली चम्मच। उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। फटाफट सी रेसिपी दोस्तों, ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। जब जीरा भुन जाए तब ऐसे ही रफली चॉप प्याज इसमें डाल दो, 2 मीडियम साइज़ के और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। तो देखें, यहाँ पर हमने फाइन चॉप नहीं किया है प्याज को, नहीं तो प्याज काटने में समय लगता है, तो हमने ऐसे ही रफली चॉप कर दिया और डाल दिया। अब आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च के दाने और 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया के दाने और इन्हें भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट मीडियम हीट पर। जब 2 मिनट हो जाए तब इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालना और थोड़ा सा अदरक के टुकड़े और हरी मिर्ची अपनी पसंद के हिसाब से। और जो टमाटर है बस इस बात का ध्यान रखना कि उनका छिलका निकालना है। और यह 15 से 20 काजू जिन्हें मैंने रात भर सोख करके रखा था, तो काजू को या तो आप रात में भिगो दें या फिर सुबह ही आप 2-3 घंटे पहले भिगो दें। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डालें और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर इन्हें सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें और मीडियम हीट पर इन्हें पका लें तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 इलायची, 2 काली इलायची, 2 तेज़पत्ता और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो फटाफट सी रेसिपी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी सब्जी को फाइन चॉप करके नहीं लिया है, रफली चॉप करके डाल दिया है और फटाफट से सब्जी बनेगी। आधा कप पानी डालें और ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 मिनट पका लें या फिर उस टाइम तक जब तक कि जो टमाटर है सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो सब्ज़ी है इसमें कोई तामझाम नहीं है, फटाफट बनेगी। जैसे समर में गर्मी में किचन में जाने की इच्छा नहीं हो रही, सडनली मेहमान आ गए, तो आप इसे प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काजू डाले हैं, आप इसकी जगह खरबूजे के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें से हम तेज़पत्ता निकाल देंगे और जो 2 इलायची डाली थी ना काले वाली, उसमें से 1 निकालेंगे, 1 रहने देंगे और इन सारे जो पेस्ट है टमाटर का जो मसाला है इसे ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसे छान लेंगे। उसके बाद दूसरी कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल या घी। उसके बाद 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद ये जो पिसा हुआ मसाला था, जो ग्रेवी थी, उसको डालेंगे। ग्रेवी को जब आप पीस कर छान कर डालोगे ना तो बहुत बढ़िया बनती है। इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वाद के हिसाब से और काली मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर भी डालना है, उससे स्वाद अच्छा आता है। हल्दी हमने पहले डाल दी थी, आप चाहे तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिला दें और इन्हें धीमी आंच पर पकने दें। अब घर की ताज़ी मलाई डालें इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और थोड़ा सा दूध डालें, इससे क्रीमीनेस आएगा, टेस्टी बनेगी, बटरी सिल्की बनेगी हमारी ग्रेवी। और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ें डाल के ढक्कन लगाकर अब हम इन्हें पका लेंगे। अब सब्जी का रंग देखिएगा आप धीरे धीरे कितना शानदार आएगा। थोड़ा सा बटर भी इसमें मैंने डाला है, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और ढक्कन लगाकर जब तक कोरमा रिलीज ना हो तब तक पकाना है। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये देखिए ग्रेवी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हमने जो तेल गर्म किया था ना बिल्कुल धीमी आँच करके उसमें डालना है आपको, इससे रंग बहुत अच्छा आता है सब्जी का। अब इस ग्रेवी को धीमी धीमी आंच पर पकाना है जब तक कोरमा रिलीज ना हो जाए। फिर पनीर के टुकड़े डाल देने हैं, तो जिस भी हिसाब से आप पनीर डालना चाहते हैं उस हिसाब से डालें। मैं यहाँ पर डालूंगी 300 ग्राम पनीर, पनीर के टुकड़े मैंने करके डाल दिए हैं। अब अच्छे से मिला दें, अब सब्जी को ढक्कन लगाकर पकाना है आपको। तो फटाफट सी सब्जी है ना, देखिए कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसेस हमने फॉलो नहीं किया, क्विक सी रेसिपी है, फटाफट बनेगी, ना कोई कटिंग है ना चॉपिंग है। बस एक बार सब्जी को इस तरीके से बनाकर देखना आप, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस पनीर वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालें, ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें और ढक्कन लगाकर इसे तब तक पका लें जब तक कि ऊपर घी ना छूट जाए। तो जो मलाई वगैरह डाली थी ना उसका घी छूट जाएगा और ये देखिए सब्जी कितनी कमाल की बनकर तैयार हुई है। तो इन गर्मियों के लिए स्पेशल रेसिपी है, जब किचन में आपका जाने की इच्छा ना हो और किचन में खड़े होकर बहुत ज़्यादा कुकिंग करने की किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है, उस टाइम पर आप इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। फटाफट बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार, मैंने गैस की फ्लेम करी है बंद, अब मैं इसे प्लेट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी कमाल की बनी है। परफेक्ट कलर है, टेक्सचर है, ग्रेवी एकदम शानदार है और जब खाओगे तब आपको समझ में आएगा कितनी लजीजी बनकर तैयार हुई है। इस सब्ज़ी को बनाने के बाद पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ आप खाएं बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आप एक बार इस सब्ज़ी को बना लेंगे ना तो रेस्टोरेंट से की जो पनीर की सब्ज़ी होती है ना उसका स्वाद भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनी है। तो अगर आपको पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस तरह की क्विक क्विक रेसिपीज़ के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है।
तो इस सब्जी को स्टेप बाय स्टेप बनाना, बस ये ध्यान रखना कि जो टमाटर हमने डाले हैं उनका छिलका ज़रूर निकालना है। छिलका निकालने के बाद ना ग्रेवी बहुत कमाल की बनती है, वो टेस्टी बनती है। और सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा बटर डाला था, आप उसकी जगह शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस आप सेम फॉलो करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।